मेरा नाम है सलमान मिर्जा और मैं आप सभी का सलमान मिर्जा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपके घर परिवार पे सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप ये जो आप लोगों का थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है इसको अपनी फैमिली के साथ, इस क्वालिटी टाइम को अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। कुछ ही समय बचा है आप लोगों के ट्रेनिंग होने के लिए। अगर मैं यूं कहूं कि कुछ ही समय बचा है आप लोगों के एक डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ, एक दूसरा लाइफ का फेस शुरू होने में, तो कुछ ही समय बच रहा है, तो जितना अच्छे से जी सकते हो उसे जी कर आओ और उसके बाद आप लोगों का एक डिफरेंट काइंड ऑफ फेस शुरू होने वाला है। अगर इस वीडियो की हम लोग बात करते हैं तो इस वीडियो में हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, हमारे पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ टोली कमांडर्स के बारे में, जो सब चीज़ें थी, बचा था मैस कमांडर्स के बारे में कि मैस कमांडर्स कैसे होते हैं, कैसे इन पर बना जाता है, क्या मैस कमांडर होने के फायदे नुकसान होते हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे, चुनाव कैसे होता है मैस कमांडर का, इस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग उसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि कोई भी आप लोगों को जो वीडियो में चीज़ समझ में नहीं आती आप लोग मुझे वहाँ पूछे, उसका आप लोगों को वहाँ पर जवाब मिल जाएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जितनी वीडियोस हो आपको टाइम पर मिलते रहें और आप लोग उनका टाइम पर पूरा पूरा फायदा उठाते रहें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैस कमांडर्स जो बनाए जाते हैं, मैस कमांडर मतलब जहां पर आप लोगों का खाना बनता है उसके लिए। मैस कमांडर का काम क्या होता है, मैस कमांडर का काम सबसे पहले जान लो, उसका काम होता है जो खाना आप लोगों के लिए बनना है उसको मैनेज करना, कितने बंदे हैं वहां पर, कितना खाना बनना है, आज क्या चीज बननी है, मेनू बन जाता है। और जो वहां पर खाने बनाने वाले होते हैं, जो लेबर होती है, जो फॉलोवर्स खाना बनाने वाले होते हैं, उनको गाइड करना, उनको हैंडल करना। एक जैसे घर में होता है कि अगर कोई मजदूर घर पे काम कर रहे होते हैं तो अगर उनके सर पर खड़े रहते हैं तो काम अच्छे से होता है, तो बस मैस कमांडर का उतना ही काम होता है, उन लोगों से काम करवाना, खाना अच्छा बनवाना, ताकि जो मैस कटिंग के पैसे एक महीने बाद जो लड़के देने वाले हो उनको अच्छा खाना प्रोवाइड होते रहे, ये काम होता है मेन किसका, मैस कमांडर का। सबसे पहली बात कर लेते हैं कि मैस कमांडर कैसे बना जाता है। तो मान लो आप लोगों के 8 टोलियां या जितनी भी आप लोगों के टोलियां, जितनी भी आप लोगों के क्लास में बच्चे, आप लोगों के ट्रेनिंग सेंटर पर जितने भी बच्चे होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, मान लो अगर 100 हैं, 200 हैं, 300 हैं, कितने हैं, मेनली अगर मान के चल रहे हैं हम 200 हैं, तो क्या होता है कि उनको पहला जो आप लोगों का महीना होगा वो तो JTC का होता है। JTC में आप लोगों का खाना क्या होता है, उसका कोई मैस कमांडर नहीं बनता है, उसका खाना एज इट इज चलता रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोगों का इसीलिए मैस एडवांस जमा कराया जाता है ताकि पहले महीने का जो खाना है वो आप लोगों का चलता रहे। जैसे ही आप लोगों की RTC स्टार्ट होती है तो आप लोगों का 1 तारीख से पहले, यानी कि जैसे ही RTC कल से शुरू हो रही है तो 1 दिन पहले ही आप लोगों को वहाँ पर बुला लिया जाता है, नीचे सबको फॉलो इन करा लिया जाता है और पूछा जाता है आप लोगों के कौन मैस कमांडर बनना चाहता है, जो बनना चाहते हो अपना हाथ खड़ा कर दें। तो जो जो भी इच्छुक होते हैं, जिन जिनको मैस कमांडर बनने की इच्छुकता होती है, वो अपना अपना हाथ खड़ा कर देते हैं और उनको लाइन से बाहर निकाल लिया जाता है। फिर आगे जितने भी कैंडिडेट्स खड़े होते हैं उन सबसे पूछा जाता है कि भाई, सबसे पहले वाले का नाम लेते हैं कि इसके लिए कौन वोट करना चाहता है, अपने हाथ खड़ा कर लें, तो वो उसके लिए हाथ खड़ा करते हैं। फिर दूसरे के लिए पूछा जाता है, तीसरा होता है उसके लिए पूछा जाता है, और ऐसे गिनने के बाद जिसके लिए हाथ ज़्यादा खड़े हो जाते हैं, यानी कि जिसको वोट्स ज़्यादा मिल जाते हैं, उसको क्या बना दिया जाता है, मैस कमांडर बना दिया जाता है उस महीने का। ऐसा नहीं है कि अब वो मैस कमांडर जो पूरे के पूरे ट्रेनिंग में भर रहेगा, नहीं, उस महीने का उसे बना दिया जाता है और उसको चार्ज दे दिया जाता है। फिर उसका सारा का सारा काम होता है, क्या खाने का, जो भी चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी, उसका सारा का सारा काम होता है। तो ये तो तरीका होता है चुनाव का, इस तरीके से चुनाव होता है। इसके फायदे और नुकसान की अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लोग आ रहे हो, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग आओगे, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आगे चल के क्या क्या होता है। और मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मैं जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता हूँ आप उसे देखते हो, उसी के ऊपर आप लोग सेम सवाल दोबारा से पूछते रहते हो, मुझे लगता है कि या तो आपने वीडियो स्टार्ट से एंड तक नहीं देखी होती या फिर आप बीच में छोड़ के चले जाते हो। तो जब आप एक बार वीडियो पा जाते हो तो इतना टाइम नहीं लगता है, इतनी लंबी मेरी वीडियोस नहीं होती हैं, शुरू से एंड तक उसे एक बार देख लिया करो ताकि आपके डाउट पूरे क्लियर हो जाओ। और मैं UPSI के क्वेश्चन एंड में पूछता रहता हूँ, बस वही 5-7 लोग हैं जो उनका अच्छे से रिप्लाई करते हैं, अदरवाइज आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे। तो इससे ये भी पता चलता है कि आप लोग अपनी UPSI की तैयारी भी अच्छे से नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर आपने की होती तो आप लोग उसका जवाब अच्छे से देते और बिल्कुल देते, इसका मतलब आप लोग तैयारी भी अच्छे से नहीं कर रहे हो, अपने क्वालिटी टाइम जो आपको मिला हुआ है इसका अच्छे से भरपूर फायदा नहीं उठा रहे हैं। खैर, आगे बात करते हैं कि इसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं मैस कमांडर बनने के। देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फायदे की। अगर बात करें तो मेरी नज़र में तो वो फायदे नहीं है, लेकिन वो लगते हैं फायदे। सबसे पहली बात तो यही होती है कि जो मैस कमांडर बनता है उसको ग्राउंड में नहीं जाना होता है सुबह को, क्योंकि सुबह का भी क्या दलिया बनना होता है, खाना बनना होता है, उसको ग्राउंड में नहीं जाना होता है, उसको परेड नहीं करनी होती है। फिर जो दोपहर को स्कूल चलता है, स्कूल भी उसे नहीं जाना होता है, और शाम की परेड जो होती है उसको उसमें भी नहीं जाना होता है। तो पूरा का पूरा महीना जो है वो ग्राउंड से बिल्कुल बच जाता है, क्योंकि उसको बहुत सारे काम देखने होते हैं, सब्जी भी लानी होती है मंडी से जाके, बाहर से सारे बिल देखने होते हैं, और भी सारे जो भी चीज़ फॉलोवर को चाहिए खाना बनाने के लिए एट अ टाइम उसे ला के देनी होती है। तो इसलिए सबसे पहला
ये कुछ को फायदा लगता है, लेकिन मेरी तरफ से देखा जाए तो एक उनको नुकसान भी, क्योंकि आप लोग ग्राउंड में नहीं जा पाते हो, आप लोग उस महीने जो परेड हो रही है, एक्सरसाइज हो रही है, उसका पूरा पूरा फायदा नहीं उठा पाते, अपने हेल्थ के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हो। तो एक तो ये चीज़ होती है। बात करें नुकसान की, तो वही फायदे में नुकसान छुपे हुए हो। आप लोग अपने स्कूल नहीं जा पाते हो, आप लोगों का कोर्स पीछे होता चला जाता है, आप लोगों को नहीं पता चल रहा होता है कि स्कूल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सब चीज़ें होती हैं। बस मेन चीज़ यही होती है कि आप लोग अपने ग्राउंड से बच जाते हैं। ओवरलोड बहुत रहता है, अगर कोई बनने का आप लोगों में से सोचेगा आने के बाद, तो इतना ध्यान रखना कि ओवरलोड बहुत रहता है। आप लोगों को बहुत सारे रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं, आप लोगों को एक एक पर डाइट बना के डालनी होती है, एक एक बंदे का कोई छुट्टी गया तो उसका हिसाब रखना होता है, आप लोगों का हर एक चीज़ के बारे में पूरा पूरा, क्योंकि एक दो दो तीन रजिस्टर बनते हैं, कोई कहीं जमा होता है कोई कहीं जमा होता है, बहुत मतलब एक कहते हैं ओवरलोड वर्किंग काम होता है, इससे आपको सतर्क रहना है। ओवरलोड बहुत होता है, ऐसा नहीं कि अगर आप लोग ग्राउंड से बच रहे हो तो बहुत फ्री हो जाते हो, नहीं, काम आप लोगों के पास और भी बढ़ जाता है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ समझ में आई होगी। यूपीएससी क्वेश्चन मैं पहले से आप लोगों को लाते ला रहा हूँ, इसलिए अभी भी लाया हूँ। आप लोग अगर वीडियो यहाँ तक पहुँचे हो देखें, और अगर आप उनको सुन रहे हो तो उनके जवाब मुझे जरूर दिया करें, कमेंट बॉक्स में लिखोगे क्या पता आप लोगों के यही एग्जाम में आ जाएँ। सबसे पहला सवाल आप लोगों के लाया हूँ मैं विविध अधिनियम से, आज मैं आपके लिए लाया हूँ गुंडा निवारण अधिनियम जो होता है, आप लोगों को सबसे पहले उसका संख्यांक बताना है। क्या गुंडा निवारण अधिनियम जो विविध अधिनियम के अंतर्गत आते हैं उसमें आप लोगों ने बताना है कि उसका संख्यांक कितना है। एनडीपीएस एक्ट जो हमारा होता है उसका संख्यांक आपको बताना है, और एनडीपीएस की फुल फॉर्म आप लोगों को नीचे लिखनी है, एनडीपीएस एक्ट का संख्यांक और उसकी फुल फॉर्म मुझे बतानी है। और फिर आपने बताना है एक दहेज प्रतिच्छेद की धारा 3 में क्या बताया गया है, विविध अधिनियम के अंतर्गत ही आता है, दहेज प्रतिच्छेद कि धारा 3 के अंदर क्या बताया गया है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आई होगी। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है टेलीग्राम पे आप लोग मुझे पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल आप लोगों को उसका जवाब दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा जो है थोड़ा मोटिवेशन मिलता है यार, और लाइक कर दिया करें, अच्छा लगता है देखने में कि जो चीज़ हम लोग बना रहे हैं आप लोगों को पसंद आ रही है। तो जय हिंद जय भारत।